स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। व्हाट्सएप पर आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जो भी वीडियो अभी तक बनाने की कोशिश की है, मैं तो बड़ी सादगी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करते रहता हूं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को बनाऊं, प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाना वगैरह। ठीक है, तो मैं अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो प्रोफेशनल हो और बिल्कुल आप उसमें कम बोर हो, ये इसका मैं ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तो मुद्दे की बात करता हूँ मैं आपको कि आपकी प्रतिक्रियाएं जो मिली उसके लिए थैंक्स वंस अगेन। और मुझे व्हाट्सएप पे कई सवाल आए और यूट्यूब के कमेंट्स में भी मैंने देखा कि बहुत सारे सवाल, तो मैंने सारे सवालों को एक जगह जमा करके उसका 10-12 सवाल जो अलग अलग पूछे गए तो मैंने उनका एक ही सवाल बना दिया है। ठीक है, तो आज हम आपके कुछ सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसके लिए मैं ये वीडियो खास तौर पे बना रहा हूँ कि कोई पूछेगा तो उसको शेयर कर दूंगा, सर चाय व्यापार स्टार्ट कैसे करें? हर कोई यही पूछता है कि मैं सर कहता हूँ ना वीडियो तो नहीं सर बताइए एक बार व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, और ये वीडियो आपकी आपके ही लिए है जो अक्सर पूछते हैं कि सर कैसे स्टार्ट करें कैसे स्टार्ट करें। तो भैया सबसे पहले आप एक उद्योग आधार नंबर, आपको वो लाइसेंस होता है वो आपको रजिस्टर करना है फर्स्ट। ये कर लिया आपने, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो वहां से जाकर वो लिंक आप क्लिक करें और ओरिजिनल गवर्नमेंट का फॉर्म है, वेबसाइट है वो, तो वहां आपको कोई पैसा नहीं मांगेगा, फ्री में आपका उद्योग आधार रजिस्टर्ड हो जाएगा। उद्योग आधार के माने इससे पहले भी बताया है, जिस तरह से हमारा कोई आधार कार्ड होता है उस तरह बिजनेस का एक आधार कार्ड होता है, उसे उद्योग आधार कहते हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक कीजिए और उसको फॉर्म भरना शुरू कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये नंबर, तो इस नंबर पर आप क्या करें, मुझे व्हाट्सएप करें और पूछे सर मैंने ये फॉर्म भरना चालू किया है, ये दिक्कत आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है क्या भरना है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर क्या भरना है। हो गया आपका उद्योग आधार, एक डॉक्यूमेंट आपका जो मेन डॉक्यूमेंट था वो आपका एमएसएमई का वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आपको फूड लाइसेंस लगेगा, तो आपके शहर में जाइए, सीए वगैरह होते हैं तो उनको बोलिए, वो ज्यादा से ज्यादा उसको 3 साल के लिए वो 800 रुपये चार्ज करेंगे आपको। जी हाँ, तो वो फीस उनको आप दे दीजिए, और अगर आपके पास कोई बंदा ना हो तो मुझे बताइए, कुछ नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो लोग आपके लिए बना के वो दे देंगे। ठीक है, अब आपका फूड लाइसेंस का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब अगर आप बस चाय बिजनेस एक मतलब सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि यार कैसा होगा कैसे नहीं देखने के लिए, तो इतने डॉक्यूमेंट आपके लिए काफी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी बने आगे चल के आपको ब्रांड बनना है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना है, 1-2 साल के बाद, अभी नहीं करना है, मैं अक्सर रोकता हूँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो स्टार्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस 30-50 हज़ार रुपये काफी हो गए। ठीक है, दूसरी चीज तो ट्रेडमार्क, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक कंपनी बनना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क आप जरूर बनाइए, उसके लिए आपको कुल मिला के 6 हज़ार रुपये के लगभग कुछ अमाउंट लगेगी, यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि 7 हज़ार रुपये में आपके सारे 7-8 हज़ार रुपये में आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या बचा है, अब आएगा पैकेजिंग मटेरियल का। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पैकेजिंग मटेरियल के लिए फ्लेक्स का जो एक पैकेट होता है, फूड ग्रेड होता है, 50 माइक्रोन के ऊपर होता है, तो 15 हज़ार रुपये में बन जाता है, 5-4-5 हज़ार रुपये उसके डिजाइन, उसकी डाई और जो सिलेंडर वगैरह उसका जो बनता है, तो उसमें 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं, बाकी 8-9 हज़ार रुपये का आपको 170, 75 या 80 रुपये 180 रुपये किलो के प्राइस से आपको चाय बैग मिल जाती है। तो कुल मिला के 1 किलो में वो 59 केजी के पैक आते हैं, और मैंने कैसे एडजस्ट करना है उसको, आधा किलो कैसे बनाना है, 1/4 किलो कैसे बनाना है, मैंने वो भी आपको बता दिया है, मेरे इस पर वीडियो है, आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो सर्च कीजिए या मुझसे लिंक मांगिए, मैं वो आपको दे दूंगा। पैकेट भी 15 हज़ार रुपये में आपके रेडी हो गए। अब क्या इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, कुल मिला के वो मान लीजिए 7 और 15 22-23 हज़ार रुपये में आपकी कंप्लीट कंपनी यहां पर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि क्या लाइसेंस हो गए आपके, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट हो गए आपके, और साथ में आपका पैकेजिंग मटेरियल भी बन गया। अब क्या बचा, अब सिर्फ आपको चाय लानी है।
अब ये बड़ी समस्या है कि चाय कैसी लाई जाए, कहाँ से लाई जाए, ये समस्या होती है ना। तो उसमें दो बातें, एक तो वही पुराना तरीका, फोन कीजिए किसी को और कहिए सर मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय समझती नहीं है, मुझे अच्छी चाय दीजिए। अब बस अज्ञानता के अंधेरे में अपने नुकसान कीजिए, या तो फिर सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, इस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करें, 6-7 हज़ार रुपये आपके ट्रेनिंग में चले जाएंगे। अगर आप इसको समझते हैं, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग किस चीज़ की? इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं कि आप प्रोफेशनल जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाके कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करेंगे। अगर करना चाहते वो बहुत अच्छी बात है, 1,50,000 रुपये उसके आपको लगे जाएंगे। सिर्फ तजुर्बेकार व्यक्ति से प्रैक्टिकल अगर आप सीखना चाहते हैं, मान लीजिए कि किसी बंदे की मेरे जैसे 6-7 साल से काम है और आप चाहते हैं कि सर जितना आप जानते हैं आप उतना ही सिखा दो, फिर आगे देखेंगे हम उसका सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करना है नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, सर्टिफिकेट कोर्स भी जाकर कीजिए आप, लेकिन अगर किसी प्रैक्टिकल काम शुरू करना चाहते हैं और अभी तुरंत के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो फिर आप उसकी एक ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वो जो भी चार्जेस होंगे, तो मेरे जैसा बंदा वो अपना वक्त आपको दे रहा है, वो उसके चार्जेस है, ज्ञान के, जानकारी के कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, हो गया आपका। अब ट्रेनिंग भी ले लिया आपने, ट्रेनिंग लेने के बाद चाय कहाँ से परचेस करना है ये सवाल आता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया से परचेस करेंगे, टी बोर्ड ऑफ इंडिया से कोई रजिस्टर्ड बायर से परचेस करेंगे या किसी ब्रोकर से परचेस करेंगे, तो 2% से ज्यादा गवर्नमेंट का जो प्राइस है उसके 2% अमाउंट के से ज्यादा इसके ऊपर आप 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। ये चीज आपको जब आप तय कर लेंगे कि यार मैं जो भी टी बोर्ड ऑफ इंडिया का प्राइस है उसका टोटल जो खर्च है जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन वो छोड़कर, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अगर चाय के अगर आपको पैसे देने तो 2% चाय के पैसे आप ऊपर देंगे, क्योंकि सीख गए ना, जब आप सारी चीजें सीख गए हैं तो आप टी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलेंगे, प्राइस देखेंगे अभी ये प्राइस चल रहा है और बोलेंगे कि सर मुझे इतना चाहिए, 2% ब्रोकरशिप पे आप ब्रोकरशिप ले लीजिए, या फिर आप जो समझते हैं आपका प्रॉफिट बोलकर 2% ले लीजिए। 1 लाख रुपए का चाय अगर मैं लेता हूँ तो 2,000 रुपये मैं आपको दूंगा, 50,000 रुपये का लेता हूँ तो 1,000 रुपये दूंगा, 25,000 रुपये का चाय लेता हूँ तो 500 रुपये आपको दूंगा मैं, ये कंडीशन हो जाएगी। अभी यहाँ तक तो सब ठीक है, ये चाय भी आपका आ गया। अब आपको ब्लेंड बनाना है, आप सोचेंगे अब तो ब्लेंड बनाने के लिए मशीन वगैरह का भैया अब सींगे निकलना चालू होगी, मत बनाइए, मत लीजिए मशीन वगैरह, 1-2 साल तक अपना बिजनेस पूरी अच्छी तरीके से सेटअप नहीं हो जाता तब तक मत लीजिए। मेरे ही जैसे किसी बंदे को कल के वीडियो में कहा है, उसको कह दे भैया ब्लेंड बनाने की क्या होती है आपकी चार्जेस, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, जो भी होता है वो ले लीजिए। मैं आपको कहता हूं कि ये एक बैग, वो दो बैग, वो तीन बैग मिला के उसको मिला के मशीन में डलवा के उसको ब्लेंड बना दो, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया है, क्योंकि मैं सीख चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मैं जैसा बोलता हूं आप वैसा कीजिए और मेरा ब्लेंड बना के दे दीजिए। आपने ब्लेंड बना दिया, आपकी चाय आ गई, पैकेजिंग मटेरियल पहले से आपके पास रेडी है, और फिर आपने क्या किया उसको बनाकर, अब क्या होता है, अब होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग होगी ना, अब इसके पास बिजनेस को तो डेवलप भी करना है ना, आपको माल बेचना है, कोई आके किसी को ख्वाब तो गिरेगा नहीं कि आप चाय का व्यापार कर रहे हैं और आपके सब पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय है, तो आपको उसके लिए लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को ये बात बताना पड़ेगी कि आप चाय व्यापार में आ चुके हैं और आपके पास बेहतरीन चाय है जो मार्केट में किसी के पास नहीं, ये बात आपको प्रचार और प्रसार के जरिए से करना पड़ेगी। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए भी दो तरीके हैं। इसके तरीके ये है कि जो आपके जो शहर में डिस्ट्रिक्ट में जो वीकली मार्केट भरते हैं, तो उसमें एक टेंट वगैरह वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां से परमिशन लीजिए, तो वहाँ टेंट वगैरह लगाइए और वहाँ अपना प्रचार प्रसार करें, चाय भी रखे कुछ, और डेमो के लिए 10-5 लीटर की चाय भी बना के लोगों को सैंपल के तौर पे चाय पिलाए वहां पर कि देखिए कि कैसे है, क्या है हमारी चाय। उसके लिए आपको क्या करेगा, आपकी कंपनी का जो नाम है उसकी एक टोपी है, उसकी एक टी शर्ट 20 रुपए में, 50 रुपए में वो बन जाती है, वो आप बना लेंगे, आपकी मार्केटिंग का ये एक तरीका है। दूसरा, आप सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से आप प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन आपको तो लोकल में बेचनी है चाय, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा महंगा आइडिया है लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, जो कंपनी का जो लक्ष्य रखते हैं ये उन्हीं के लिए।
एक वेबसाइट बना दीजिए आप। वेबसाइट के क्या फायदे हैं वो मैं विस्तारित रूप से किसी और इसमें बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, वेबसाइट बनाने से आपका सोशल मीडिया का जो प्रचार और प्रसार है वो 100% हो जाएगा। कैसे होगा कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट बनना चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है और बहुत सारी चीजें होते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत फायदे है उसमें, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगा। जी हाँ, किसी को लगा वो शॉप करेगा, कार्ट में जाएगा और चेकआउट कर देगा, पैसा आ जाएगा आपको आपके अकाउंट में, इस तरह से वो सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है। तो अगर आप कंपनी का लक्ष्य रहते हैं तो ये भी कीजिए, लेकिन बाद में कीजिए, अभी फिलहाल आप चेक तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। तो अभी वेबसाइट को थोड़ा बाजू रखें हम, वो आप 6 महीने के बाद, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे उसके 6 महीने के बाद आप वेबसाइट के बारे में विचार करें, ठीक है। तो इसमें दो ही चीजें आपको ध्यान रखना है, चाय की पहचान ग्रेड वाइज या चाय की पहचान क्वालिटी की पहचान आपको करनी है। तो ग्रेड वाइज आपको जो चीजें हैं मैंने बता चुका हूं, ग्रेड कैसे होते हैं, एक सीडी होती है जो बहुत ही पाउडर होता है, पाउडर बिल्कुल पाउडर, चूरा मनी कहते हैं उसे आमतौर पर कुछ कुछ लोग। उसके बाद उस पाउडर से ऊपर कोई चाय होती है तो कौन सी होती है, D1, पाउडर से थोड़ी सी बड़ी दिखती है, होती है डस्ट, लेकिन उसकी भी कैटेगरी है 4-5 टाइप की। डस्ट की डी होती है, चूरामनी के बाद डी होती है, D1 होती है, उसके बाद डस्ट होता है, उसके बाद PD होती है, उसके बाद PF होता है, उसके बाद OF होता है, उसके बाद BP होता है, BOP होता है, BOPSM होता है और BPS होता है। फिर बड़े 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 दाने होने लग जाते हैं, शक्कर से मोटे मोटे, शुगर से मोटे मोटे दाने हो जाते। तो ये मैंने एक लाइन बता दी आपको, सबसे बारीक चाय से सबसे मोटी चाय की, इससे भी थोड़ी मोटी चाय होती है, लेकिन हम आमतौर पे ये चाय देखते हैं, इसलिए ये आपके लिए अभी फिलहाल काफी होगा। तो दूसरी बात, आपको चाय की पहचान, क्वालिटी की पहचान होना जरूरी है। तो आप जब ट्रेनिंग लेंगे ना, तो ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चलेगा प्रीमियम क्वालिटी में भी 5-6 क्वालिटी होती है, सेमी प्रीमियम क्वालिटी में भी 5-6 क्वालिटी होती है, मीडियम क्वालिटी में भी 5-6 क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी में भी 5-6 क्वालिटी होती है और बहुत लो क्वालिटी में भी 4-5 क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप सीखेंगे समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये आसान हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले बिजनेस को सीखिए और उसके बाद उसको स्टार्ट करें। ये जो सारे खर्चे मैंने बताए हैं ना, तो मैं उसको जो इस सीखने को जो सबसे लास्ट नंबर पे है, इसको मैं फर्स्ट नंबर पे ला लेता हूं यहां। जी हाँ, तो सीखना जरूरी है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, सीखना। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, सीखना। बस उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात पते की लेकर फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद।